good morning students in our previous lecture we will discuss about three types of economy activities those are business profession and employment today we study case study of related to these activities let us start amar akwal and anthony are three friends pursuing different careers तो ये थ्री फ्रेंड्स हैं इन तीनों ने अपना करियर स्टार्ट किया अमर इज़ अ डॉक्टर एंड रनिंग इज़ ओन क्लीनिंग तो देखो अमर जो है उसने अपना खुद का क्लिनिक खोला और डॉक्टर बन गया और उसने अपना डॉक्टर का काम शुरू किया तो ये देखो कौन सी एक्टिविटी है तो ये प्रोफेशन है प्रोफेशन क्यों है क्योंकि उसने डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस डिग्री की होगी और उसको उसके लिए सर्टिफिकेट्स भी मिले होंगे उसने क्या किया अपना खुद का ओन प्रोफेशन ही स्टार्ट किया सेकंड है अकबर अकबर रंजा बेकरी अकबर ने बेकरी का काम शुरू किया एंड मेक्स ब्रेड एंड बिस्किट्स वेयर एज अकबर ने ब्रेड बिस्किट की बेकरी ओपन की और खुद का काम शुरू किया तो ये क्या है प्रोडक्शन करना और सेल करना तो ये किस में आता है बिजनेस में तो अकबर ने बिजनेस स्टार्ट किया थर्ड इज़ एंथनी एंथनी इज़ अ आई एस ऑफिसर तो एंथनी आई एस ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट के अंडर वर्कर है तो ये कौन सी इकनॉमिक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट तो ये थ्री तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि तीनों का जो पर्पस है वो मनी अर्न करना है तो ये थ्री एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक है नाउ लेट अस डिस्कस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोज़ एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन वाई इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइक्लॉजिकल सेटिसफेक्शन जिनका मोटिव मेंटल सैटिफेक्शन साइकोलॉजिकल सेटिसफैक्शन होता है तो इनका मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता तो दीज आर नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक वी आर गोइंग टू टेम्पल फॉर एंड चैरिटी सोशल सर्विस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो मतलब हम काम खुद की मेंटल सेटिसफेक्शन के लिए करते हैं वो होते हैं नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी जैसे टेम्पल जाना तो इसके लिए हमें कोई मनी अर्निंग नहीं होती तो ये नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी है चैरिटी के लिए किसी को पैसा देना सोशल सर्विस प्रोवाइड करना तो ये सारी एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड नहीं होती तो ये है नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ द एंड रिजल्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ नोट अर्निंग प्रॉफिट तो नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पस अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता बट इट गिव्स मेंटल सेटिस्फेक्शन पर इससे हमें सेटिस्फेक्शन अर्न होती है वेदर एंड एक्टिविटीज इज इकनॉमिक और नॉन इकनॉमिक इट डिपेंड ऑन द मोटिव तो ये किस पे डिपेंड करता है मोटिव पे। अगर हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो वो इकनॉमिक एक्टिविटी है और अगर हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो ये नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी है द सेम एक्टिविटी कैन बी इकनॉमिक इफ़ इट्स रिजल्ट इज अर्निंग मनी एंड कैन बी नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी इफ एंड रिजल्ट इज़ नॉन मॉनिट्री फॉर एग्जाम्पल वेन अ टीचर इज टीचिंग इन अ स्कूल इट कैन बी इकनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ही शी गेट्स सैलरी टीचर को सैलरी मिलती है तो वो कौन सी एक्टिविटी हुई इकनॉमिक एक्टिविटी एंड वैन द टीचर इज हिज़ ओन हीज हर सन एट होम अगर वो अपने सन को बेटे को घर पर पढ़ा रहे हैं तो वो नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है

नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज फर्स्ट इकनॉमिक एक्टिविटीज़ दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन वाई इकनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी जो जिनका मोटिव अर्निंग मनी है वो है इकनॉमिक एंड जिनका मोटिव साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन है वो है नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी सेकेंड इज एक्सपेक्शन मनी इनकम इज़ एक्सपेक्टेड अब इसमें हम एक्सपेक्टेड क्या करते हैं कि हमें मनी अर्न हो तो वो है इकनॉमिक जिनमें हमारी एक्सपेक्टेशन मनी अर्न करना नहीं है वो है नॉन इकनॉमिक थर्ड पॉइंट इज परपज़ द परपज ऑफ दीज एक्टिविटीज़ क्रिएशन ऑफ वेल्थ तो धन को क्रिएट करना क्रिएशन करना वेल्थ की वो है इकनॉमिक जिसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो है नॉन इकनॉमिक फोर्थ पॉइंट आउटकम द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटी इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो जिसमें हमारा मोटि प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए हम गुड्स की और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करनी है जिससे हमें मनी अर्न होती है द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटी इज मेंटल सेटिसफेक्शन और नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी की आउटकम जो है वो हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन है तो इकनॉमिक की एग्जाम्पल्स हैं बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन नॉन इकनॉमिक की जैसे फैमिली ओरिएटेड एक्टिविटीज़ रिलीजियस एक्टिविटीज़ तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट देखो इन्होंने फिगर के थ्रू समझाया हुआ है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकनॉमिक तो ये थ्री बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिलीजियस पेरेंटल एंड सोशल नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्रैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस करेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएँ तो नेचर कैसी है बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट इज एन इकनॉमी एक्टिविटी बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज द मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट सो वी कैन से दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेकेंड प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स की प्रोडक्शन करना तो ये नेचर है बिजनेस की तो वैन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस वी कैन से दैट देयर इज समथिंग दैट आर प्रोड्यूज और प्रोक्योरमेंट ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज अ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस इन वो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसिज फॉर सेल्फ कंजम्प्शन इज नॉट बिजनेस वैन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ कंजम्प्शन दैट इज़ नॉट बिजनेस एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल एंड परचेज दैट इज़ बिजनेस तो इट इज़ द फ्यूचर ऑफ बिजनेस फोर्थ पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस तो बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता है इंटरवल बेसिस पे नहीं होता अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज़ दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉफिट अर्निंग तो बिजनेस की फीचर है प्रॉफिट अर्न करना क्योंकि बिजनेस में हमारा मेन मोटिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना तो जिसमें हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता वो हमारा बिजनेस भी नहीं होता सिक्स पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न तो अनसर्टेन होते हैं बिजनेस के फीचर हैं कि ये क्लियर नहीं होता कि कितना रिस्क होगा या कितना प्रॉफिट होगा तो ये सब कुछ क्या है अनसर्टेन अनादर इंपॉटेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज़ इज़ अ प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें हमेशा ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व होता है देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज लॉसेज भी हो सकते हैं इट इज़ नॉट सर्टेन दैट बिजनेस मैन विल ऑलवेज अर्न प्रॉफिट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हर बिजनेस मैन को प्रॉफिट ही अर्न होए तो लॉस भी हो सकते हैं ओके okay? स्टूडेंट्स आज आपने ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से लर्न करने हैं नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड थर्ड इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ओके थैंक यू स्टूडेंट्स